हल्द्वानी में नैनीताल रोड में फिर से भूधसाव हो चुका है। अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंस गया है, जिससे यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। एक महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डायवर्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफी पुरानी हो चुकी है, जिनमें लगातार इस तरह से धसाव हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सिंचाई विभाग ने नैनीताल रोड पर हुए धसाव को रिपेयर करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग को भी वर्षों पुरानी नहरों का दोबारा से सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हमारी एक जमरानी की नहर है और इसमें कल शाम को धसाव की सूचना मिली थी, उसके बाद से विभाग ने इसको टेकअप किया है और आज इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि स्लैब जो है वो सुरक्षित है, मात्र उसकी जो दीवार है उसमें नुकसान हुआ है, तो 3 से 4 दिन में ये अपनी जगह रिस्टोर कर दिया जाएगा। हमारे शहर में देखिए बहुत सारी नहरें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं, बीच में कालांतर में इनको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कवर कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो इसका परीक्षण कर लें, यदि कहीं पर मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है तो उसके अनुसार कार्रवाई करें।